हेलो गाइस, आज हम बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में बैकअप कैसे लिया जाता है इसके बारे में सीखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तीसरा नंबर ऑप्शन है ये बैकअप डेटा। आप सिंपली इस पे क्लिक करेंगे और जिस भी कंपनी का आपको बैकअप लेना है उस कंपनी पर एंटर करेंगे और उसके बाद आप यूज़र नेम देंगे और उसके बाद उसका पासवर्ड देंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्पेसिफाई पाथ फॉर बैकअप ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम फोल्डर बटन को क्लिक करके पाथ को सेट करेंगे। जैसे कि मुझे डी ड्राइव के बैकअप फोल्डर में बैकअप लेना है तो मैं यहाँ पे ओके करूँगा और यहाँ पे ऑल फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करके सिंपल ओके पर क्लिक करके यस पे क्लिक करूँगा और हमारा बैकअप सक्सेसफुली हो चुका है। अगर हमें बैकअप की और कॉपियाँ बनानी है तो डू यू विश टू मेक अनदर कॉपी, तो हमें यस करना है, अदरवाइज हमें नो करना है। हम यहाँ पे नो करेंगे, हमारा बैकअप हो चुका है। गाइस, अब हम इस कंपनी को डिलीट करेंगे। तो जैसा कि मैं इस आदित्य बिरला कंपनी ग्रुप को मैं डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ और इसे मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो गाइस, हमारी कंपनी सक्सेसफुली डिलीट हो चुकी है। अब हम इस कंपनी को डी ड्राइव के बैकअप फोल्डर से रीस्टोर करेंगे। तो हम यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है रीस्टोर डेटा डेटा ऑप्शन है, तो मैं इसमें जाऊँगा और उसके बाद यहाँ पे मैं फोल्डर बटन पर क्लिक करके जहाँ पे हमने डेटा का बैकअप लिया था उस पाथ को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं ओके क्लिक करके आप देख सकते हैं यहाँ पे बैकअप फॉर द कंपनी आदित्य बिरला ग्रुप ऑल फाइनेंशियल ईयर टेकन ऑन 2 मई 2020 को लिया गया था। हम इसे रिस्टोर करना चाहते हैं, यस हम इसे करना चाहते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं डेटा रिस्टोर सक्सेसफुल। अब हम देखेंगे कि हमारी कंपनी रिस्टोर हो चुकी है कि नहीं। यस गाइस, हमारी कंपनी सक्सेसफुली रिस्टोर हो चुकी है और आप जैसा कि देख सकते हैं, मैं इस कंपनी को ओपन भी कर सकता हूँ। तो देखा गाइस कितना सिंपल है बैकअप एंड रिस्टोर ऑप्शंस। थैंक यू गाइस।